आग क्यों और कैसे लगती है। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जंगलों में दावानलिया वन की आग उस दुर्घटना को कहते हैं जब किसी वन के एक भाग में या पूरे वन में ही आग लग जाती है और उस वन के सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी जलने लगते हैं और मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जंगल की आग की यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वनस्पतियों और मिट्टी सूख जाती है और आर्द्रता भी कम हो जाती है। आग प्राकृतिक कारणों जैसे आकाश से बिजली गिरने से या प्राकृतिक रूप से वन में उत्पन्न घर्षण से लग सकती है या मानव की कोई लापरवाही जैसे सूखे घास फूस पर सुलगती हुई सिगरेट या माचिस की तिल्ली फेंक देना। एक बार चिंगारी भड़क जाने के बाद आग हवा के प्रभाव से इतनी तेज फैल जाती है कि उसे संभालना कोई आसान काम नहीं है और वो धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेती है। जंगल में आग लगने की समस्या गर्मियों में ज़्यादा रहती है। विश्व के बहुत से भागों में यह समस्या बहुत आम है जैसे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कैलिफोर्निया, भारत और कई जगहों पर यह ऐसे ही चालू रहती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं ऐसे ही एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। थैंक यू।